हेलो दोस्तों, वेलकम टू MSSSC नोट्स। जैसा कि हमारे पहले वीडियो में आपने देखा कि हमने सिलेबस डिस्क्राइब किया था रेलवे का, जो NTPC की पोस्ट निकाले हैं रेलवे ने, ठीक। और आपको आज पता होगा कि SSC 10+2 CHSL उसका भी वैकेंसी आ चुकी है। तो जो सिलेबस उसका बताया गया था वही सिलेबस SSC 10+2 का भी है, ठीक दोस्तों। हमने कल वाले वीडियो में क्या डिस्क्राइब किया था, कुछ क्वेश्चन डिस्क्राइब किए थे जो एग्ज़ाम में आए हुए थे, हम वहीं से फिर कंटिन्यू करते हैं और कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उसको फिर क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन। हर्ष ने अपना 5वां जन्मदिन 8 वर्ष पूर्व मनाया था। तो दोस्तों क्या नाम है, हर्ष है, ठीक। तो लिख लिए हम हर्ष, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अपना 5वां जन्मदिन 8 वर्ष पूर्व मनाया था। तो दोस्तों अगर 8 वर्ष पूर्व वो 5 साल का था, 5वां जन्मदिन मनाने का मतलब 5 साल का था, ठीक दोस्तों। अगर वो 8 साल पहले, 5 वर्ष का था, तो दोस्तों वर्तमान में कितना होगा, क्या कह रहा है दोस्तों, अपना 5वां जन्मदिन 8 वर्ष पूर्व, ठीक। 8 वर्ष पहले, 8 साल पहले अगर वो 5 वर्ष का था तो वर्तमान में जाहिर सी बात है दोस्तों कितने साल का हो जाएगा, वो 8+5=13 वर्ष। तो वर्तमान में हर्ष कितने साल का हो गया, 13 वर्ष, ठीक दोस्तों। अब आते हैं, आगे बढ़िए, अब देखिए कौन आ गया इसमें। लिखा हुआ कि 10 वर्ष बाद अनिल की आयु, तो दूसरा बंदा कौन आ गया इसमें, अनिल। अब अगर अनिल की चर्चा करें हम, तो कह रहे हैं कि 10 वर्ष बाद। तो दोस्तों अगर इस तरह के क्वेश्चन में जब भी बाद, पहले, वर्तमान की बात करें तो हमेशा आप बाद और पहले, वर्तमान से ही लेंगे, ठीक। अब कह रहा है जैसे 10 वर्ष बाद, तो कब से लेंगे, वर्तमान से, ठीक। तो वर्तमान में हर्ष की आयु आपने निकाला है कितनी साल है, 13 वर्ष। अब कह रहे हैं कि अनिल की आयु हर्ष की आयु की 2 वर्ष पूर्व, तो अब कहाँ जाना है दोस्तों आपको, हर्ष की आयु 2 वर्ष पूर्व लीजिए आप। तो हर्ष की आयु 2 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगी दोस्तों, 11 वर्ष। ये क्या निकालें आप, हर्ष की आयु 2 वर्ष पूर्व, ये हर्ष की आयु हो गई। अब कह रहे हैं 2 वर्ष पूर्व हर्ष की आयु की दोगुनी है, किसकी दोगुनी है, अनिल की आयु। तो दोगुनी का मतलब कितना हो गया, ये 11 × 2 = 22 वर्ष का हो गया। ये कब की बात कर रहा है क्वेश्चन में, 10 वर्ष बाद की। तो ये 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद कितने साल का हो गया, 22 वर्ष का, कौन, अनिल। तो 10 वर्ष बाद तो पूछा क्या है आपसे, अनिल की वर्तमान आयु। तो दोस्तों वर्तमान आयु क्या हो जाएगी इसकी, वर्तमान आयु। अब देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 22 वर्ष कब है अनिल, 10 वर्ष बाद। तो वर्तमान में कितना होगा दोस्तों, 10 वर्ष घटाना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, 22 − 10 = 12 वर्ष। तो ये क्या हो गई, अनिल की वर्तमान आयु। तो देख रहे होंगे आप ऑप्शन नंबर ए है इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगर देख रहे होंगे आप, तो लिखा हुआ है कि 20 संख्याओं का औसत 12 है। तो दोस्तों ये कहाँ क्वेश्चन है, किस टॉपिक का, एवरेज, औसत का, ठीक। तो लिखा हुआ है 20 संख्याओं का औसत 12 है। तो पहले मैं बताना चाहूँगा औसत होता क्या है, औसत पता है क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ये औसत का फार्मूला होता है, इसी से औसत वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बाकी हम औसत को बहुत अच्छे तरीके से ऐसा पढ़ाएंगे कि जैसे आपको यूज़ नहीं करना होगा, इस सब फार्मूला को यूज़ नहीं करना है, वो आपको जब एवरेज वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा उस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा, आप अच्छे तरीके से उसमें सीख लेंगे। तो आइए क्या कह रहे हैं, 20 संख्याओं का औसत 12 है। तो अब अगर यहाँ पे आप इसमें थोड़ा सा कंसीडर करिए, औसत 12 है तो औसत की जगह 12 हो जाएगा, कुल पदों का योग नहीं पता है लेकिन संख्याओं की संख्या पता है कितनी है, 20 है, यहाँ 20 रख देंगे, यहाँ 12 रख देंगे, ठीक। अब कुल पदों का योग चाहिए आपको, तो 20 संख्याओं का योग, 20 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो औसत 12 है, अब कुल पदों की संख्या कितनी है, 20 है, तो कितना हो जाएगा, ये 12 × 24 = 240 हो जाएगा, ठीक दोस्तों। फिर अगला क्या कर रहा है, 12 संख्याओं का औसत 11 है, इसी तरह 12 संख्याओं का योग क्या कह रहा है, औसत 11 है तो योग कितना हो जाएगा, 12 × 11, ठीक।
12 गुणे 11, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 132, 11 दुनी 22 की 2, हंस लगे 2, 11 को 11 दो 13। ठीक दोस्तों, अब आते हैं अगला, पढ़िए क्या कर रहा है। तथा अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है, तो इसी तरह 7 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, अगर औसत 10 है तो योग कितना हो जाएगा, 10 गुणे 7 बराबर 70 हो जाएगा। तो पूछ रहा है आपसे कि अंतिम संख्या क्या होगी। अब देखिए, ये 20 संख्या के बारे में डिस्कस किया गया है, ये 12 संख्या है, ये 7 संख्या, तो इसका मतलब कुल कितनी संख्याओं के बारे में कह दिया आपसे, 12 7 19 संख्याओं के। अब लास्ट संख्या बची है, तो कैसे निकालेंगे, अंतिम संख्या जो आपकी होगी, अंतिम संख्या के लिए क्या करिए आप, जब इन दोनों को प्लस किए हैं तभी आपको पता चला कितनी संख्या है, तो जब इधर प्लस किए हैं तो इधर भी प्लस कर देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 240 माइनस 132 प्लस 70, तो जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा ये 2 7 10 की 0 से लगे 1 1 2, तो 240 में से जब 202 कटाएंगे 202 कटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 38। ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, तो देख रहे होंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा और वो किस टॉपिक का है, साधारण ब्याज। ठीक, ब्याज साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, दो तरह के ब्याज होते हैं, लेकिन यहाँ पे किसके बारे में बताया गया है, साधारण ब्याज के बारे में। तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, है ये साधारण ब्याज, ठीक, लेकिन इसमें कहीं साधारण ब्याज के फार्मूले का यूज़ नहीं करना है। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आपको अपने आप पता चलेगा क्यों नहीं करना है। कह रहे हैं कि साधारण ब्याज पर उधार लिया गया एक धन, तो उधार लिया गया धन को ही क्या बोलते हैं, मूलधन, या तो मूलधन लिखा होगा या तो उधार लिया गया धन, तो क्या समझेंगे, मूलधन ही है। कह रहे हैं 2 वर्षों में 720 रुपये हो जाता है, तो 2 वर्षों में कितना हो जाता है 720 रुपये, और उसके 5 वर्ष के बाद, उसके मतलब स्टार्टिंग से नहीं यहाँ से, तो कुल कितने वर्ष हो गए 7 वर्षों में कितना हो जाता है 1020 रुपये। ठीक दोस्तों, अब आते हैं देखिए थोड़ा सा, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 2 वर्षों में 720, 7 वर्षों में 1020, तो वर्षों में कितने का अंतर है, 5 वर्ष का। ठीक, वर्षों में अंतर बराबर 5 वर्ष, क्वेश्चन में भी दिया है, यहाँ से देखने में भी लग रहा है। तो अब यहाँ पे पैसे का कितना अंतर आया है, पैसों का अंतर कितना हुआ है, पहले था वो पैसा 720, अब हो गया 1020, तो क्या हो जाएगा 1020 माइनस 720, तो बराबर 300 रुपये का पैसों में अंतर आया है। अब देखिए, वो पैसा जो है, मूलधन जो है, उधार लिया गया धनराशि जो है, 5 वर्ष में 300 रुपये बढ़ी है, तो इसका मतलब, इसलिए 1 वर्ष में कितना बढ़ जाएगी, 300/5 बराबर 60 रुपये। ठीक, मतलब कि 1 वर्ष में 60 रुपये बढ़ी है, और स्टार्टिंग अगर क्वेश्चन आप पढ़िए तो क्या कह रहा है कि 2 वर्षों के बाद 720 रहता है, तो मतलब अगर 1 वर्ष में 60 रुपये बढ़ी है तो 2 वर्षों में कितनी धनराशि बढ़ी होगी, 2 वर्षों में कितना बढ़ा होगा, 60 × 2 बराबर 120 रुपये बढ़ा होगा, अब वो धनराशि 120 रुपये बढ़ी है तब जाके 720 रुपये हुई है, तो इसका मतलब दोस्तों मूलधन क्या रहा होगा, 720 में से 120 घटा दें तो कितना आ जाएगा 600 रुपये। इसका मतलब दोस्तों उधार ली गई धनराशि कितनी है, 600 रुपये, ये 600 रुपये उधार लिया गया था। ठीक, हर वर्ष प्रतिवर्ष 60 रुपये बढ़ा है, तो 2 वर्षों में वो 720 हो गया है और 7 वर्षों में 1020 हो गया है। ठीक दोस्तों, समझ में आया होगा सबको, तो ये क्या है 600 रुपये आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। अब आते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कहाँ का होगा, सिंप्लीफिकेशन का, सरलीकरण का, जैसा कि कल आपको सिलेबस बताया गया था, सिंप्लीफिकेशन में एक लिखवाया गया था चैप्टर डेसिमल, दशमलव, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन 3+, देखिए क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है 3+33.3+3.03+3333, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ध्यान देंगे आप कि डिजिट जो डेसिमल वाली डिजिट है उसको सही क्रम में लिखना पड़ेगा। जैसे ये 3 है तो लिख दिए, अब क्या है 33.3, आप इसको 3.0 लिख सकते हैं, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा दशमलव के नीचे दशमलव, मतलब डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे तभी सही आंसर मिलेगा। तो अब 33.3 है तो पॉइंट यहाँ लगाएंगे, 3 यहाँ लिखेंगे और 33.3 इस तरह लिखेंगे। इसी तरह क्या है 3.03, तो 3.03 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, और लास्ट स्टेप क्या है 4 × 3, तो 1 2
ये 4 times 3 हो गया, और फिर पॉइंट में कुछ नहीं है तो हम अपने से यहाँ पे 0 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ भी 0 लिख सकते हैं, यहाँ भी 0 लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है, सबके बीच में किसका सिंबल है, प्लस का, तो सबको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, ये क्या हो जाएगा, 3 3 6 3 9 3 12 की दोस्त लगे 1, 3 3 6 1 7 और 3 और 3, तो कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, 3 3 7 2.33, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या है अगला क्वेश्चन, किसी परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु, देखिए फिर से वही औसत की बात आ गई, तो देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, औसत का, एवरेज का, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं किसी परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 38 वर्ष है, तो दोस्तों कितने लोग हैं, माता तथा पिता, ठीक, तो ये माता प्लस पिता, प्लस क्यों लगाया, क्योंकि वहाँ पे औसत दे रखा है, हमको योग निकालना है दोनों की आयु का योग, तो जैसे अभी पिछले क्वेश्चन बताया गया था औसत बराबर क्या बताया गया था, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, और योग निकालने के लिए औसत और संख्या दोनों क्या कर देते हैं, मल्टीप्लीकेशन, तो सेम उसी तरह यहाँ करेंगे, किसी परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 38 वर्ष है, तो इसका मतलब दोस्तों योग कितना हो जाएगा, 38 × 2, ठीक, अगर इसको आप सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 76, ठीक, क्या है ये, वर्ष, तो लिख दें वर्ष। अब आते हैं आगे, क्या कह रहे हैं, जबकि पिता माता तथा उनकी एक लौती लड़की की औसत आयु 28 वर्ष है, अब देखिए दोस्तों कितने लोग हो गए, पहले माता ही पिता थे, अब कौन आ गया, एक लौती लड़की भी आ गई, तो माता प्लस पिता प्लस लड़की, अब इन तीनों का योग अगर निकालें तो कैसे योग निकलेगा, जितने लोग हैं, तो कितने लोग हैं, 1 2 3, तो 3 में किससे गुणा कर देंगे, जितना औसत है, तो कितना औसत है, 28, तो जब आप इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 28 3 84 वर्ष, ये क्या होगा, इन तीनों का योग। ठीक, अब क्या पूछा आपसे, लड़की की आयु, बस दोस्तों आपको दिख ही रहा होगा आंसर क्या होगा, तो क्या करें, माता प्लस पिता का मान 76 है, तो यहाँ रख देंगे, तो यहाँ से आपको अपने आप क्या मिल जाएगा, लड़की की आयु, तो क्या हो जाएगा, 84 में से इतना घटा दें, 84 - 76 बराबर कितना हो जाएगा, घटा दें दोस्तों, 14 में से 6 गया 8, फिर क्या हो जाएगा, हो गया, तो लड़की की एज, उनकी जो इकलौती लड़की है उनकी आयु कितनी हो गई, 8 वर्ष, तो देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए उसमें सही दिया हुआ है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है, 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, अब देखिए तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो आपको लग जाना चाहिए कि वो किस टॉपिक का है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, किस टॉपिक का है, अब देखिए ट्रेन जा रही है, बिजली खंभा खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये ट्रेन वाली रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन है, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब कोई ट्रेन किसी खंभे को, बिजली खंभे को या खड़े हुए व्यक्ति को, ठीक, क्रॉस करती है, पार करती है, तो उनके द्वारा लिया गया जो समय होता है वो होता है लेंथ ऑफ द ट्रेन, अगर हम उसको शॉर्ट में लिखें LT, क्या बोले हमने, क्या बोले इसको, लेंथ, LENGTH, लेंथ ऑफ द ट्रेन, मतलब ट्रेन की लंबाई बटे स्पीड ऑफ द ट्रेन, LT/ST, ST का मतलब स्पीड, स्पीड ऑफ द ट्रेन मतलब ट्रेन की चाल, तो खंभे को पार करने में लिया गया समय LT/ST, लेंथ ऑफ द ट्रेन बटे स्पीड ऑफ द ट्रेन, अब दोनों चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, क्या दिया हुआ है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, अब देखिए दोस्तों लेंथ कितना दिया है, 100 मीटर, लेकिन चाल जो है, स्पीड है, वो क्या दे रखा है, 144 किलोमीटर पर आवर, 144 किलोमीटर पर आवर, तो इस तरह के क्वेश्चनों में ध्यान ये दिया रहता है दोस्तों कि यूनिट सेम होनी चाहिए, यूनिट का मतलब ये है कि अगर ये मीटर में है तो जो चाल है वो भी किस में होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में, तो दोस्तों किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 5/18 से गुणा, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसमें 5/18 से गुणा कर देंगे, तो 100/144 × 5/18, ठीक, अब काट देंगे ये क्या हो जाएगा, 18 × 144 और 5 इसको काट दें तो 20 × 5 = 100, तो कितना आ गया, 20/8, अब यहाँ पे 20 में 8 से भाग दे देंगे तो 8 × 2 = 16, 4 × 8 = 45, ठीक, तो कितना आंसर आ गया दोस्तों, 2.5 सेकेंड, इसका मतलब वो रेलगाड़ी बिजली खंभे कितने देर पार कर लेगी, 2.5 सेकेंड में, ठीक दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें दिया हुआ है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा,
पढ़िए तो क्या कह रहा है, एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। अब देखिए ये किस टॉपिक का क्वेश्चन हो गया, नल तथा टंकी का। कल आपको बताया गया था सिलेबस में, पहले वीडियो में हमने डिस्क्राइब किया था इसको, कि नल तथा टंकी जो बताया जाएगा आपको किस में बताया जाता है, टाइम एंड वर्क, कार्य तथा समय में। सेम पैटर्न क्वेश्चन होते हैं, सेम कॉन्सेप्ट के होते हैं, इसलिए मैंने डिस्क्राइब किया था कि ये चीज़ें आपको टाइम एंड वर्क में बताई जाएंगी। तो आते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहे हैं कि एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। ठीक, अब जब टंकी आधी भर जाती है, तो दोस्तों टंकी आधी भर गई है, पूरा समय लेता है 6 घंटे, तो आधे भरने में कितना समय लेगा, 3 घंटे। तो आधी टंकी भरने में लगा समय कितना हो जाएगा, 3 घंटे। अब दोस्तों क्या कह रहा है, तो इसी प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाते हैं। 3 नल और का मतलब एक नल पहले से था, तो कुल नल कितने हो गए, 4। अब 4 नल हो गए, सबकी जो क्षमता है 6 घंटे में भरने की वो सबकी सेम है। इसी तरह के इसी प्रकार के लिखा हुआ है, तो इसी प्रकार का मतलब सबकी क्षमता सेम है। सबकी क्षमता का मतलब कि सब टंकी कितने घंटे में भर देते हैं, 6 घंटे में। अब कह रहे हैं कि नल खोल दिया जाते हैं, तो टंकी पूरा भरने में कुल कितना समय लेगी। अब देखिए टंकी आधी भरी है तो 3 घंटे में भरती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुल 4 नल हैं, तो जो 1 नल का काम करते थे अब वो 4 नल बट गए हैं, तो कितना समय लेंगे, 3 घंटा वो लेता था, तो कितना लेंगे ये, 3/4। तो 3 घंटे/4, तो समय कितना हो जाएगा, 3 घंटे और 4। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, 45 मिनट्स। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो पहले 3 घंटे लगे थे, अब कितने समय और लग रहा है, 45 मिनट्स, तो कुल समय कितना लग गया, कुल समय तो 3 घंटे और 45 मिनट्स, तो 3 घंटे 45 मिनट में वो टंकी क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से भर जाएगी। कितने नलों द्वारा, 4 नलों द्वारा। तो देख रहे होंगे आप ऑप्शन नंबर बी क्या है, आपका सही है। ठीक, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो देख रहे होंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, वो क्या है, पढ़िए, वर्तमान में लव तथा कुश की आयु का अनुपात। अब देखिए क्या गया, आयु, तो हमने बताया होगा कल आपको सिलेबस में आयु संबंधी प्रश्न कहाँ बताया गया था, आपको बताए थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात में बताया था कि आयु संबंधी प्रश्न आते हैं। अब कह रहे हैं कि लव तथा कुश की आयु का अनुपात 6:5 है, तो एक है लव एक है कुश। और कल आपको हमने पहले वीडियो में डिस्क्राइब भी किया था कि जब अनुपात को डेटा बदलते हैं तो किसी कॉन्स्टेंट से गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 6K और 5K, अनुपात है 6:5 का, तो अलग अलग अगर आप अनुपात आयु लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 6K और 5K। अब कह रहे हैं किंतु 15 वर्षों के बाद, तो दोस्तों अगर 15 वर्षों के बाद कह रहा है तो इसकी भी आयु 15 वर्ष बढ़ेगी, इसकी भी आयु 15 वर्ष बढ़ेगी। अगर पहले ये 6K है तो अब कितने साल का हो जाएगा, 6K+15 का। ठीक दोस्तों, अब क्या करना है, इसको भी 15 साल बढ़ाना है, तो इसकी एज क्या हो जाएगी, 5K+15। ठीक, अब पढ़िए क्या कह रहे हैं कि उनकी आयु का अनुपात, अब 15 वर्ष बाद की जो आयु है उनका अनुपात कितना हो जाता है, 9:8। ठीक दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बन गया है, इसको सॉल्व करेंगे, के का मान आएगा, के की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तब क्या मिलेगा आपको, लव की वर्तमान आयु, मतलब यहाँ पे ये वैल्यू आपको चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3××, तो कर दीजिए 8×48K+15×120=9×5×45K+15×135। 135। ठीक, अब क्या करिए, इसको इधर लाइए, इसको उधर ले जाइए, तो 48K में से 45 की जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 3K, और जब ये 120 उधर जाएगा तो कितना मिल जाएगा, 15। तो K का मान कितना आ गया, 5। अब K का मान यहाँ 5 रख देंगे तो लव की आयु कितनी आ जाएगी, 6×5=30 वर्ष। ठीक दोस्तों, ये क्या हो गई, लव की वर्तमान आयु आपसे पूछा था, तो आपने ये आंसर निकाला है जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। ठीक दोस्तों, ये था आयु संबंधी प्रश्न। अब आते हैं अगर अगला क्वेश्चन डिस्क्राइब करते हैं, दोस्तों मैं पहले बताया था, आज बता रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, RRB में भी, NTPC में भी, और जो 10+2 SSC CHSL का जो फॉर्म आया है उसमें भी सेम इसी तरह क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है, एक आदमी 250 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और 300 रुपये में इसे बेच देता है। तो दोस्तों पढ़ने में क्या लग रहा है, ये कहाँ क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि का। ठीक, अब देखिए खरीदता है तो इसका मतलब क्या होगा, क्रय मूल्य, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 250 रुपये 250 रुपये क्रय मूल्य दे रखा है। तो आते हैं लिखते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ये आपको दे रखा है 250 रुपये,
ठीक। अब कह रहे हैं कि 300 रुपये में बेच देता है, तो बेचने का मतलब होता है दोस्तों विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितने रुपये में बेच देता है? 300 रुपये में, ठीक। अब पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब आपका सीपी बोलते हैं कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, जब आपका सीपी और इसको क्या बोलेंगे सेलिंग प्राइस एसपी विक्रय मूल्य, ठीक, जब आपका सीपी एसपी से कम होगा, क्या होगा, जब आपका सीपी एसपी से कम होगा तो आपको हमेशा क्या होगा प्रॉफिट होगा। क्या होगा दोस्तों? प्रॉफिट मतलब लाभ, ठीक। अगर किसी कंडीशन में क्या हो गया सीपी आपका क्या हो जाए ग्रेटर देन एसपी हो जाए, ठीक, तो वहां पे क्या होने लगेगा दोस्तों आपको लॉस होने लगेगा, हानि। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है सीपी इज ग्रेटर देन, नहीं सॉरी, क्या है यहाँ पे सीपी इज लेस देन एसपी, मतलब सीपी है आपका 250, एसपी है आपका 300 रुपये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको प्रॉफिट। अब देखिए परसेंटेज प्रॉफिट पूछा आपसे, तो परसेंटेज प्रॉफिट प्रतिशत लाभ कैसे निकलता है, यहाँ पे होता है एस पी माइनस सी पी बटे सी पी गुणे 100, इसमें पुट कर देंगे मान तो आंसर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 300 माइनस 250 बटे क्या है आपका सी पी, कितना है 250 गुणे 100, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 50 बटे 250 गुणे 100, तो 0 0 कट गया, 5 5 25 और 5 2 10, तो कितना आंसर आ गया दोस्तों 20% का लाभ। तो ठीक है दोस्तों, देख रहे होंगे आप यहाँ कितना आंसर आया 20% प्रॉफिट। तो दोस्तों अगर आपको ये लेंदी लग रहा होगा, लेंदी मतलब थोड़ा सा अगर बड़ा लग रहा होगा, तो इसका हम शॉर्ट मेथड आपको बताते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़िए अपने आप समझ में आएगा। कह रहे हैं कि 250 रुपये में सामान खरीदा गया है, वह वस्तु कितने में खरीदी गई है 250 रुपये में, और बेच कितने में रहे हैं 300 रुपये में, तो ध्यान दीजिए दोस्तों कितने रुपये का फायदा हुआ यहाँ पे 50 रुपये का। अब 50 रुपये का फायदा हुआ है लेकिन आपका उसमें खर्चा कितना हुआ था 250 रुपये, तो जो फायदा या जो हानि लाभ होता है वो किस पे होता है हमेशा क्रय मूल्य पर, तो क्या हो जाएगा ये 50 250 का कितना परसेंट है, बस ये आपको सॉल्व करना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5। अब 1/5 किसकी वैल्यू होती है दोस्तों, 1/5 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 20%, और क्या हो रहा था 50 रुपये का लाभ, तो अपने आप यहाँ पे क्या आ गया प्लस 20%। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन में प्लस 20% माइनस लिखा होता है, तो प्लस किसको शो करेगा प्रॉफिट को, और माइनस किसको शो करेगा लॉस को, तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया आपका दोस्तों प्लस 20%। तो ये क्वेश्चन था इतना लंबा, इस क्वेश्चन को यहाँ पे इतना बताया गया, ठीक दोस्तों। ये आपको अगर लेंदी लग रहा हो तो आप ये क्वेश्चन ये क्या करिएगा ये सोल्यूशन अपनाइएगा, ठीक। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे अच्छे मेथड आपको बताए जाएंगे अगले वीडियो में, ठीक। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, अगर आपको अपने तरफ से कोई सुझाव देना है या किसी भी क्वेश्चन में किसी मेथड में किसी स्टेप पे दिक्कत है तो आप हमें कमेंट के माध्यम जरूर बताएगा, ठीक दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।